हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आजकल आपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके की जीके एंड अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट देखी होंगी। ऐसी पोस्ट कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग क्वेरी रहती है, किस तरीके से वाइट शेडो यूज करें, इस तरीके की कॉपीराइट फ्री इमेजेस कहाँ से लाएँ, ऐसा कंटेंट कहाँ से लाएँ, अलग अलग क्यूरी। और इनके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस कंटेंट के ऊपर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। फर्स्ट, कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे लाएं। सेकेंड, आप इस तरीके की इंस्टाग्राम इमेजेस बनाने के लिए क्या रेशियो रहेगा, क्या साइज रहेगा, और इस तरीके की इमेजेस बनाने के लिए किस तरीके से आप वाइट शेडो या अलग अलग कलर की शेडो यूज कर सकते हैं, ऐसा पूरा टोटल इमेजेस कैसे बनेगा, और इन इमेजेस से इंस्टाग्राम रील्स कैसे बना सकते हैं, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए मुझे गाइस। स्टेप वन, कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे यूज करें। आप गूगल का कोई भी इमेजेस या इंस्टाग्राम से फूड, ट्रेवलिंग या कोई भी सेलिब्रिटी का इमेजेस विदाउट वाटरमार्क यूज कर सकते हैं, कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा। देखिए गाइस, यूट्यूब पर एल्गोरिथम अलग रहता है और इंस्टाग्राम पर एल्गोरिथम अलग काम करता है, यहाँ पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। हो सकता है कोई आपकी पेज की रिपोर्ट कर सकता है अगर आप उनका वाटरमार्क वाला इमेजेस यूज कर रहे हैं, बाकी आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी सेलिब्रिटी का फूड, ट्रेवलिंग का विदाउट वाटरमार्क इमेज यूज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर इतने ढेर सारे पोस्ट अपलोड होते हैं, कोई आपके पोस्ट पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो वहाँ का एल्गोरिथम उस वीडियो को पकड़ लेता है, अगर रीयूज्ड कंटेंट में आएगा या कॉपीराइट क्लेम आएगा या आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग काम करता है और यहाँ पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अलग काम करता है। मैंने भी अपने पेज पर काफ़ी सारी वीडियो रीयूज्ड करके यूज की है, आप देख सकते हैं उनमें से काफ़ी सारी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ भी आए हैं और काफ़ी सारी वीडियो वायरल भी हुई है। अगर आप किसी के स्क्रीनशॉट लेकर इमेज यूज भी करना चाहते हैं तो आप वहां पर उनको क्रेडिट दे सकते हैं। काफी सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे पॉपुलर पेज है जिनके पास 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं, वो भी एक दूसरे के पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर यूज करते हैं और उनको क्रेडिट दे देते हैं। इस तरीके से आप भी किसी के भी पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर यूज करके क्रेडिट दे सकते हैं। स्टेप टू, इस तरीके का कंटेंट और ढेर सारा टॉपिक्स आपको कैसे मिलेगा। गाइस, डिपेंड करता है आपका पेज किस टॉपिक्स पर डिपेंड है, किस कैटेगरी पर डिपेंड है। हो सकता है आप जीके या मोटिवेशनल से रिलेटेड इमेज बनाते हैं फॉर एग्जांपल। सो गाइस, आपको इंस्टाग्राम पर टॉप 10 प्रोफेशनल पेज को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं उन्होंने 4,000-5,000 पोस्ट की हुई होती है। आप उनकी ओल्ड पोस्ट, 1 महीने 2 महीने 10 महीने पुरानी वाली पोस्ट को रीयूज्ड करके, थोड़ा सा अपना इम्प्रोवाइज़ करके, इमेज चेंज करके, फॉन्ट चेंज करके उन पोस्ट को यूज कर सकते हैं। उन्होंने भी वो पोस्ट गूगल से या किसी बुक से पढ़कर यूज की होती हैं। ऐसा तो हो नहीं सिर्फ वो बुक उन्होंने पढ़ी है, वो बुक आपने भी पढ़ी होगी, आपने भी गूगल से वो इन्फॉर्मेशन ली होगी। यहाँ पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं देगा, आप उनकी इमेज को यूज कर सकते हैं विदाउट टेंशन लिए। आपको काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला है। आप अपनी हर कैटेगरी में उनके पेज से नॉलेज लेकर उस तरीके की पोस्ट यूज कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस तरीके की इमेजेस कैसे बनाना है। गाइस, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर आएंगे। मेरा यहाँ मोटिवेशन से रिलेटेड पेज है और मैंने यहाँ टॉप पेजेस को फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम किसी पेज को कंटेंट के लिए ओपन करेंगे। देखिए, इनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 1800 के एवा पोस्ट हैं। मैं चाहूँ तो इनकी ओल्ड पोस्ट के कंटेंट को यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इन्होंने वाटरमार्क भी डाला है पोस्ट पर। देखिए, इस पोस्ट पर वाटरमार्क नहीं है, चाहे तो आप ये पोस्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वर्ड गाइज, आप खुद मेहनत करके पोस्ट बनाइए, यहाँ से कंटेंट यूज कर सकते हैं आप। हम फॉर एग्जांपल सेम इस टाइप की पोस्ट बनाएंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, इन्होंने अल्लू अर्जुन की इमेज यूज की है, तो हम भी फॉर एग्जांपल अल्लू अर्जुन की इमेज यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उनकी आईडी से कोई इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम गैलरी में आएंगे, इस पिक को क्रॉप कर लेंगे।
और नेक्स्ट पिक से टेक्स्ट को गूगल लेंस की मदद से कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कीवर्ड से भी टाइप कर सकते हो। अब हम यहाँ पिक्सल लेब ऐप पर आएंगे। यहाँ इसको रिमूव करके साइड से इमेज साइज सेट कर लेंगे। हम यहाँ पर 1280 को ऐसे ही रहने देंगे और पास में से हाइट को बढ़ा देंगे, 1400 कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो। अब यहाँ प्लस के ऑप्शन से गैलरी से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। एंड फिर से गैलरी से ब्लैक शेडो पीएनजी लेकर आएंगे और इसको हम व्हाइट शेडो में कन्वर्ट कर देंगे। गाइज, आपको इस शेडो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम इस शेडो को कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। फिर आपको नीचे सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहां से कलर के ऑप्शन पर आकर इसे इनेबल कर देना है। आप यहां से मन मर्जी जो भी कलर में शेडो चाहिए वो आप बना सकते हैं। हम यहां व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहां प्लस के ऑप्शन से टेक्स्ट पर आएंगे और उस कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। इसे हम नीचे ए के ऑप्शन पर आकर कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट हमको शो करे। व्हाइट में थोड़ा मर्ज कर रहा है। अब हम अलाइन के ऑप्शन पर आकर इन टेक्स्ट को सेंटर में ले लेंगे और पास में से लाइन स्पेसिंग से आप थोड़ा स्पेस कम कर लेंगे और इन टेक्स्ट के स्पेस को थोड़ा हम कम कर लेते हैं। हम यहाँ साइज के ऑप्शन से साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ कलर से अलग अलग वर्ड को कलर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से। हम यहां अपने पेज का वाटरमार्क भी लगा लेंगे और इसको हल्का सा ओपेसिटी की मदद से लाइट कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये गाइस, इमेज पूरा कंप्लीटली बन चुका है। ऊपर से सेव कर लेंगे। अब आप दोनों इमेज को कंपेयर करके देख सकते हैं। देन यहां इंस्टाग्राम से इसे अपलोड कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहां परफेक्ट साइज आई है। अब अगर आपको इस पिक से रील्स बनाना है तो आप काइन मास्टर पर जाकर 3:4 रेशियो से या 9:16 रेशियो से इमेज लेकर वीडियो बना लेंगे। चाहे तो आपको अगर यहाँ कोई साउंड यूज करना है तो साउंड भी लगा सकते हैं और इसे हम सेव कर लेंगे। देन हम इंस्टाग्राम पर आकर अब यहाँ इस साउंड पर ये रील्स वीडियो लगा सकते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए गाइज, कुछ इस तरीके से। ये देखिए गाइज, साउंड पर रील्स लग चुकी है और अब आप चाहें तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप गाइज, इस वीडियो से आपके ढेर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने ढेर सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स में मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आपसे मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चेंज लाइफ। जय हिंद।